Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum friends. Today we will talk about the famous book Islam at the Crossroads by Muhammad Asad. This book has been recommended by Federal Public Service Commission for the paper of Islamiyat compulsory, Islamic Studies compulsory. और इस बुक का मैंने इंतखाब किया क्योंकि ये किताब जो है वो डेडिकेट की गई है टू दी मुस्लिम यूथ। मेरे ख्याल में हर उस यूथ के लिए ये पढ़ना ज़रूरी है, हर उस नौजवान के लिए, हर उस मुसलमान के लिए जिसका कोई ना कोई इंटरेक्शन वेस्ट के साथ रहता है। ये किताब इस मौजू के ऊपर है के इस्लामिक सिविलाइजेशन वर्सेस वेस्टर्न सिविलाइजेशन। और ये वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो एक मुसलमान के ऊपर अपना इम्पैक्ट डालती है, ये उसको एक्सप्लेन करती है। और ये फिर इस्लामिक सिविलाइजेशन वर्सेस वेस्टर्न सिविलाइजेशन का एक बहुत खूबसूरत कंपैरिजन भी देती है। इसके बाद इस किताब में इस्लामिक सिविलाइजेशन की रिवाइवल की रेसिपी मौजूद है, हम इन तमाम पे बात करेंगे। सबसे पहले इस किताब का मुख्तसर तारुफ, ये दिल्ली में पब्लिश हुई, दिल्ली और लाहौर में 1934 में। इट थ्रोज लाइट ऑन दी सब्जेक्ट दैट मुस्लिम शुड अवॉइड द ब्लाइंड इमिटेशन ऑफ द वेस्टर्न सिविलाइजेशन एंड दे शुड रेदर अप्रिशिएट एंड प्रिजर्व देयर ओन गोल्डन हेरिटेज विच वंस अपॉन द टाइम founded the great Muslim civilization। आथर ये बात कहता है कि आपने वेस्ट को इमिटेट नहीं करना। हाँ, उनकी अच्छी चीज़ें ज़रूर लें, वो कौन सी चीज़ें लेनी है वो भी आगे जिक्र आएगा उनका, लेकिन क्या करना है आपने, इस्लाम के लिए अपॉलोजेटिक नहीं होना। यू शुड बी प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट यू आर ए मुस्लिम। दिस बुक इज़ डेडिकेटेड टू द मुस्लिम यूथ। दे आर एडवाइज्ड बाय द आथर not to be impressed by the Western civilization. The writer wrote in the foreword of the book, this little book is a humble contribution towards the great goal. It does not pretend to be a dispassionate survey of affairs. It is the statement of a case as I see it, the case of Islam versus Western civilization. इस किताब का मुख्तसर तारुफ और इस किताब का जो इसके पेश लफ्ज़ में लिखा, ये एक मैंने कॉपी किया है, छोटा सा पैराग्राफ। इंट्रोडक्शन टू द आथर, इनिशियल नेम जो इसका असल नेम था लेपोल्ड वेस, 2 जुलाई 1990 को पैदा हुए और 20 फरवरी 1992 को ये अपने खाले के हकीकी से जा मिले। जूश बोर्न ऑस्ट्रो हंगरियन जर्नलिस्ट, ट्रैवलर, राइटर, लिंग्विस्ट, थिंकर, पोलिटिकल थ्योरिस्ट, डिप्लोमेट एंड इस्लामिक स्कॉलर। शुरू में ये जू थे, लेकिन बाद में 1926 में ये कन्वर्ट हुए। लिहाजा ये सवाल अक्सर इनसे किया जाता रहा कि आप पढ़े लिखे यहूदी हैं, यहूदी थे, तो आखिर किस चीज़ ने आपको मुतासिर किया और आप इस्लाम के दायरा में दाखिल हुए। इस सवाल का जो जवाब है, ये इसकी अक्सर राइटिंग्स भी नज़र आता है। वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल यूरोपियन मुस्लिम्स ऑफ द 20th century, ही रिसीव्ड पाकिस्तान सिटीजनशिप एंड सर्व्ड एज पाकिस्तान एनवाई टू द यूनाइटेड नेशंस, डिस्क्राइब्ड बाय द बायोग्राफर्स एज यूरोप्स गिफ्ट टू इस्लाम एंड ए मीडिएटर बिटवीन इस्लाम एंड द वेस्ट। इसकी जो सवाने उम्री लिखने वालों ने इसको यूरोप का इस्लाम के लिए गिफ्ट कहा है। एंड ही वाज आल्सो कॉल्ड एज ए मीडिएटर बिटवीन इस्लाम एंड द वेस्ट। इसके कुछ और जो किताबें हैं, हिज ट्रांसलेशन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ द होली कुरान इन इंग्लिश, द मैसेज ऑफ द कुरान, द मैसेज ऑफ द कुरान इज वन ऑफ द मोस्ट नोटेबल ऑफ हिज वर्क्स। ऑटोबायोग्राफी, द रोड टू मक्का, इसकी ऑटोबायोग्राफी है। इस्लाम एट द क्रॉसरोड इसकी किताब है, जिसका मैं आज इसका मुख्तसर जो समरी है पेश करूंगा। द प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट इन इस्लाम। अच्छा, मुसन्निफ इस किताब के पेशलाफ्स में एक बात करता है, he has been asked this question time and again as to why he embraced Islam. इसका जवाब देते हुए वो लिखता है, it was not any particular teaching that attracted me but the whole wonderful inexplicably coherent structure of moral teaching and practical life program. I could not say even now which aspect of it appears to me more than any other. Islam appears to me like a perfect work of architecture. All its parts are harmoniously conceived to complement and support each other. Nothing is superfluous, nothing lacking, with the result of an absolute balance and solid composure. Probably this feeling that everything in the teachings and postulates of Islam is in its proper place has created the strongest impression on me. तो ये कहता है कि कोई ख़ास ऐसी तालीम नहीं थी जिसने मुझे मुतासर किया हो, लेकिन मैं किसी ख़ास चीज़ का नाम नहीं ले सकता. हाँ, अलबत्ता जो पूरा सिस्टम है, एज ए होल पैकेज जो इस्लाम है, वो सारा का सारा इतना उसके अंदर कोहेरेंस है, इतना उसके अंदर कनेक्टिविटी है, इतना वो कंप्लीट है कि उसने मुझे मुतासर किया. अलबत्ता किसी ख़ास एक टीचिंग की वजह से मैं ये नहीं कह सकता कि मुतासर हुआ हूँ, बल्कि पूरा पैकेज ही शानदार है और उसी से मैं मुतासर हुआ हूँ, वो लिखता है. अच्छा, जहाँ पे इन्वर्टेड कामाज आ जाएंगे, इसका मतलब ये है कि ये मैंने हूबहू कॉपी किया है, और जहाँ पे इन्वर्टेड कामाज नहीं आएंगे वो मैंने उसको पैराफ्रेज करके अपने वर्ड्स में लिखा है, लेकिन मफहूम उसका वही होगा. तो ये चूँकि इन्वर्टेड कामाज में है, इसलिए ये हूबहू मैंने कॉपी किया है, सेम कॉपी पेस्ट है वहाँ से ही. इस्लाम एज ए स्पिरिचुअल एंड सोशल फिनोमिनन स्टिल इन स्पाइट ऑफ ऑल द ड्रॉबैक्स कॉज्ड बाय द डिफिशिएंसीज ऑफ द मुस्लिम्स बाय फार द ग्रेटेस्ट ड्राइविंग फोर्स मैनकाइंड हैज एवर एक्सपीरियंस्ड. इस थोड़ा सही कर लें आखिर में, मैनकाइंड हैज एवर एक्सपीरियंस्ड, आखिर में एक्सपीरियंस के डी आएगा. अच्छा, तो इस किताब का अक्सर जगहों पे ये जिक्र करता है आथर कि इस्लाम का फ़ाल्ट कोई नहीं है, मुसलमानों के अंदर फ़ाल्ट थे, तो मुसलमानों के जो फ़ाल्ट हैं उन्होंने ही इस्लामिक जो वर्ल्ड है उसी का डिके में अहम किरदार अदा किया, उसी का डिके जो है वो हुआ. इस्लाम के सिस्टम में कोई फ़ाल्ट नहीं है. अच्छा, इस्लाम वर्सेस वेस्टर्न सिविलाइजेशन, यहाँ पे आथर ये कहता है, इट लाइज इन ह्यूमन नेचर दैट नेशंस एंड सिविलाइजेशंस विच आर पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली मोर विराइल एक्सर्ट ए स्ट्रांग फैसिनेशन ऑन द वीकर और लेस एक्टिव कम्युनिटीज एंड इन्फ्लुएंस देम इन द इंटेलेक्चुअल एंड सोशल स्फेयर्स विदाउट बीइंग इन्फ्लुएंस्ड देमसेल्व्स. Such is the situation today with regard to the relations between the Western and the Muslim worlds. आथर ये कहता है कि ये इंसानी फितरत है कि जो तहजीबें या कौमें ताकतवर होती हैं वो अपना इम्पैक्ट कमज़ोर तहजीबों और कमज़ोर कौमों पर डालती हैं, और यही हुआ है कि चूँकि मुस्लिम वर्ल्ड जो है वो कमज़ोर है बिकॉज ऑफ द डिफिशेंसीज ऑफ द मुस्लिम्स, तो उनके ऊपर ये वेस्टर्न सिविलाइजेशन ने अपनी छाप छोड़ दी है. अच्छा, यहाँ पे आगे जाके वो एक बात करता है इस्लाम की खूबसूरती की. द रिलीजियस मैन नोज दैट वट एवर हैपन्स टू हिम एंड विद इन हिम कैन नेवर बी द रिजल्ट ऑफ ए ब्लाइंड प्ले ऑफ फोर्सेस विदाउट कॉन्शियसनेस एंड पर्पस. ही बिलीव्स इट टू बी द आउटकम ऑफ गॉड्स कॉन्शियस विल अलोन and therefore organically integrated with the universal plan. In this way man is enabled to solve the bitter antagonism between the human self and the objective world of facts and appearances which is called nature. ये चूँकि inverted commas में है तो ये भी मैंने हूबहू और ये phrases copy किए हैं. इसमें वो ये कहता है, बेसिकली इसका इशारा होता है अकीदा तौहीद की तरफ, जो इस्लाम का अकीदा है उसकी तरफ इसका इशारा है कि जो मजहबी इंसान है उसके खिलाफ अगर कुछ हो भी जाता है, अगर समथिंग बैड हैपन्स टू हिम, तो ये समझता है कि ये अल्लाह ताला की मर्जी ऐसी थी, उस पर सब्र करता है और वो नेचर के ख़िलाफ़ नहीं होता। तो अगर अच्छा होता है जो उस पर भी शुक्र करता है अल्लाह ताला का कि अल्लाह ताला के ये जो यूनिवर्सल प्लान है उसका ये हिस्सा है। मेरे साथ जो कुछ हो रहा है ये बग़ैर किसी वजह के नहीं हो रहा, बग़ैर किसी मकसद के नहीं हो रहा। अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो ये अल्लाह ताला की करम नवाजी है, और अगर इफ़ समथिंग बैड हैपन्स तो ये अल्लाह ताला की मर्ज़ी है, और इसमें से भी कोई ना कोई अच्छा पॉइंट जो है वो निकलेगा। तो ये बेसिकली डेफिनेशन है। फिर इस्लाम की वो बात करता है, द राइटर मेक्स द पॉइंट दैट इन इस्लाम ए पर्सन इज नॉट रिक्वायर्ड टू रिनाउंस द मटेरियल वर्ल्ड, नो ऑस्टेरिटीज आर रिक्वायर्ड फॉर स्पिरिचुअल प्यूरिफिकेशन एंड नो प्रेशर इज exerted upon the mind to believe in incomprehensible dogmas for the purpose of securing salvation. These concepts are foreign to Islam, as it is not a mystical philosophy, rather it is a program of life according to the rules of nature. Islam reconciles the spiritual and material aspects of human life in its teachings. तो जो खूबसूरत बात है इस्लाम में वो ये है कि इस्लाम के अंदर स्पिरिचुअलिटी और मटेरियल एस्पेक्ट दोनों इकट्ठे ही हैं। मतलब दुनिया की बाकी रिलीजियस सिस्टम ऐसे हैं जो कि किसी हद तक आपको दुनियादारी से दूर करते हैं। इस्लाम वो वाहिद सिस्टम है जो आपको दुनियादारी से दूर नहीं करता। आपकी जो मटेरियल वेलबीइंग है उससे भी आपको दूर नहीं करता, और आप इस्लाम चूँकि रिलीजन ऑफ रीज़न है, कोई ऐसी बात भी नहीं आपसे कहता जो आपकी समझ में ना आए, जो लॉजिक से हटके हो। कोई गैर इंसानी गैर फितरी बात का हुक्म नहीं देता। कोई ऐसी इस्लाम के अहकामात नहीं हैं जो कि इंसान की इज़्ज़त के मनाफी हों, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट के अगेंस्ट हों। तो सारी चीज़ें जो हैं वो इंसान की डिग्निटी के हक़ में हैं, उसकी फेवर में हैं, और स्पिरिचुअल वेलबीइंग और उसकी मटेरियल वेलबीइंग जो है दोनों वो इकट्ठी करता है। इस्लाम डजंट इंस्ट्रक्ट टू अबंडन द मटेरियल वर्ल्ड। द राइटर स्टेट्स दैट इस्लाम अलोन डिक्लेयर दैट इंडिविजुअल परफेक्शन इज पॉसिबल इन आवर अर्थली एग्जिस्टेंस। इस्लाम असर्ट्स दैट मैन कैन रीच इन द अर्थली इंडिविजुअल लाइफ making full use of all the worldly possibilities of his life. Christian teachings postpones this fulfillment until after suppression of the so-called bodily desires. Hinduism promises a continuous chain of rebirths on a progressively higher plane. In Buddhism, the individual self and its emotional links with the world should be annihilated. अच्छा, यहाँ पर वो कहता है कि इस्लाम अकेला ही एक ऐसा रिलीजियस सिस्टम है जो कहता है कि इंसान अपनी दुनिया में अपनी दुनियावी कामयाबी की पीक पे पहुंच सकता है, और मटेरियल वर्ल्ड के अंदर सक्सेसफुल हो सकता है। वो तारे के दुनिया होने का पैगाम नहीं देता कि आप दुनिया छोड़ जाएं। क्रिश्चियनिटी क्या कहती है कि ये तब होगा जब आप अपनी इंसानी जो जिस्मानी ख्वाहिशात हैं उनको सप्रेस करेंगे, जो इस्लाम में ऐसा केस नहीं। इस्लाम नेचुरल जो आपकी डिज़ायर्स हैं आप उनको जायज़ तरीक़ों से पूरा कर सकते हैं। हिंदुज़म में क्या है कि रीबर्थ होते 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 आप हायर स्टेज पे जाते हैं। इस्लाम का कंसेप्ट ये है कि आप एक ही लाइफ में सारा कुछ हासिल कर सकते हैं थ्रू फेयर मीन्स, और इतनी पॉसिबिलिटीज़ दी हैं, आप हासिल करें, आप कामयाब हों, दुनियावी तौर पर कामयाब हों। इस्लाम बिल्कुल इसको इनकरेज करता है, और आखिरत की कामयाबी का भी इस्लाम में जिक्र है कि आप इस दुनिया को भी और आखिरत की दुनिया दोनों दुनिया की कामयाबियों को जहन में रखें। बुद्धिज़्म में यह है कि इंडिविजुअल सेल्फ एंड द इमोशनल लिंक्स विद द वर्ल्ड शुड बी एनिहिलेटेड। तो ये इस्लाम का एक छोटा सा कंपैरिजन है विद अदर सिस्टम्स। इस्लाम अप्लाइज अपॉन एंड अलाउज ए डाइवर्स वैरायटी ऑफ लाइफस्टाइल्स। Therefore, Islam, which is not religion of repression, allows to man a very wide margin in his personal and social existence, so that the various qualities, temperaments, and psychological inclination of different individuals should find their way to positive development according to their individual predisposition. Thus, a man may be an ascetic, or he may enjoy the full measure of his sensual possibilities within the lawful limits. He may be a nomad, roaming through the deserts without food for tomorrow, or a rich merchant surrounded by his goods. As long as he sincerely and consciously submits to the laws decreed by God, he is free to shape his personal life to whatever form his nature directs him. बहुत खूबसूरत बात की है कि इस्लाम जो है वो आपको दुनियावी तरक्की से नहीं रोकता, नंबर एक। नंबर टू ये है कि डिफरेंट लाइफस्टाइल्स के लिए ये इक्वली वैलिड है। हो सकता है आप चरवाहे हों और आपके पास खाने के लिए बहुत महदूद मकदार हो खाने की, तब भी आप इसको फॉलो कर सकते हैं और ज़रूरी है आपके लिए फॉलो करना। अगर आप बहुत अमीर हैं तो आपके लिए भी यही है। इसकी छोटी सी मिसाल मैं ये देता हूँ कि आपने 5 टाइम नमाज के लिए जाना है 20 मिनटों के लिए मस्जिद में, उसके बाद आप दुनियावी मामलात में फ्री हैं। आप सुबह, आजकल मसलन सुबह की नमाज 6:20 पे होती है जमात के साथ, तो आप 6:40 पे फारिग हैं। उसके बाद आप दोपहर 1:30 बजे तक आप फ्री हैं और आप दुनिया के मामलात चलाएं, अपना लाइफस्टाइल जो भी है फॉलो करें। जायज़ तरीके से आप अपनी तमाम ख्वाहिशात, तमाम दुनियावी ज़िंदगी की तमाम मामलात में चल सकते हैं। इस्लाम इससे आपको नहीं रोकता, सिर्फ आपको डिसिप्लिन करता है कि आपने, आपका थिंकिंग पैटर्न ये होना चाहिए और आपने ये एक्शंस करने हैं। इस्लामिक कंसेप्ट ऑफ मैन ओरिजिनल नेचर, contrary to the Christian idea that man is born sinful, are the teachings of Hinduism that he is originally low and impure and must painfully stagger through a long chain of transmigrations toward the ultimate goal of perfection. Islamic teachings contend that man is born pure and, in the sense explained above, potentially perfect. अच्छा, ईसाइयत ये कहती है कि इंसान पैदा ही गुनाहगार हुआ है, और हिंदुइज्म ये कहती है कि इंसान जो है वो ओरिजिनली बहुत लो है, इसका स्टेटस रीबर्थ के ज़रिए, बार बार रीबर्थ के ज़रिए इसका स्टेटस अप होता है। जबकि इंसान का कंसेप्ट बड़ा डिफरेंट है। इस्लाम का कंसेप्ट ये कहता है, इस्लाम के इंसान जो है वो पैदा बेगुनाह होता है, प्योर है, खालिस पैदा होता है और वो पोटेंशियली परफेक्ट है। It is the disbelief in God and lack of good actions which may destroy his original perfection. हाँ, बाद में जब वो बड़ा होता है, जवान होता है, तो उस वक्त अगर अल्लाह ताला पर ईमान नहीं रखता और अच्छे अमाल नहीं करता तो उसकी ओरिजिनल परफेक्शन जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। श्योरली वी क्रिएटेड मैन इन द बेस्ट स्ट्रक्चर, सूरह अतीन आयत नंबर 4, कि इंसान को हमने बेहतरीन पैदा किया है। In Islam, the earthly life and spiritual orientation are not mutually exclusive. हम बात कर चुके हैं पहले भी। Of all religions, Islam alone makes it possible for man to enjoy the full range of his earthly life without for a moment losing its spiritual orientation. United कमाज में है, लजा इसको वैसे ही कोट करेंगे, कोट एंड कोट है कि आप इस्लाम में दुनियावी ज़िंदगी और स्पिरिचुअल ओरिएंटेशन दोनों इकट्ठी साथ साथ चल सकती हैं। The letter says that the Christian world stumbles under the concept of hereditary sin committed by Hazrat Adam alaihissalam and Eve, and consequently the whole is looked upon as a gloomy tale of sorrows. जो ईसाइयत का तस्वर है वो ये है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत अम्मा हवा ने जो गुनाह किया था, बेसिकली उसकी सज़ा इंसान को दी गई है। तो ये जो कंसेप्ट है ये इटसेल्फ जो है वो बड़ा डैमेजिंग है इंसानियत के लिए। इस्लाम में फिर इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी का कंसेप्ट है, लेकिन क्रिश्चियनिटी जो है वो ये कहती है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो हिसाब और सबकी निजात का ज़रिया बनेंगे और Everyone is responsible for his own actions. Child is not responsible for the sins committed by his father and forefathers. तो ईसाइयत ये भी कहती है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के गुनाह की सज़ा इंसान को मिल रही है। ये मोहम्मद असद ने कहा है अपनी किताब में और ये उसकी कोटेशन है। Surah al-Baqarah, ayat number 286, it will have the consequences of what good it has gained, and it will bear the consequence of whatever it has earned. इस्लाम ये कहता है हर बंदा अपने अमाल का खुद जिम्मेदार है। अपने बाप के जिम्मेदार गुनाहों का जिम्मेदार बेटा नहीं हो सकता, भाई भाई के गुनाहों का जिम्मेदार नहीं है, हर बंदे ने अपने हिसाब खुद देना है। तो ईसाइयत का जो कंसेप्ट है हेरिडिटरी सिन वाला, इस्लाम का कंसेप्ट डिफरेंट है। और फिर सूरह अन-नजम आयत नंबर 39, एंड दैट ईच पर्सन विल ओनली हैव व्हाट दे एंडीवर टुवर्ड्स, कि हर इंसान को वही मिलेगा इसकी वो कोशिश करेगा। अच्छा, इस्लाम का जो कंसेप्ट है अर्ली लाइफ का, दुनियावी ज़िंदगी का क्या है? इस्लाम व्यू पॉइंट इज़ बैलेंस्ड, नाइदर इट शेयर द ग्लूमी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ एज एक्सप्रेस्ड इन क्रिश्चियनिटी नॉर इट एट्रीब्यूट्स टू अर्थली लाइफ दैट एग्जैजरेटेड वैल्यू विच मॉडर्न वेस्टर्न सिविलाइजेशन एट्रीब्यूट्स टू इट। The modern West adores life in exactly the same way as the glutton adores his food, with no respect for it. Islam does not worship earthly life. Islam looks upon it with calm and respect and regards it as an organic stage on our way to a higher existence. Islam neither underrates nor overrates it. बहुत ही बैलेंस्ड व्यू है इस्लाम का दुनियावी ज़िंदगी के बारे में। क्रिश्चियनिटी ये कहती है कि थोड़ा ग्लूमी व्यू लेती है इस ज़िंदगी का। वो कहती है कि ये तो हमें गुनाहों की सज़ा मिल रही है। अच्छा, वेस्टर्न सिविलाइजेशन ये कहती है कि नहीं, ये तो बहुत अच्छी है, उसको ओवररेट कर रही है। इस्लाम ये कहता है, इसको रिस्पेक्ट देता है, क्योंकि इस्लाम का कंसेप्ट यही है कि इसी की बुनियाद पे ही तो आखिरत का कंसेप्ट बनना है, इसी की बुनियाद पे ही तो आखिरत में सज़ा और जज़ा होगी। तो लिहाजा इस्लाम ट्रीट्स इट विद रिस्पेक्ट एंड काम। इस्लाम हमें सिखाता है कुरान में, सूरह बकरा आयत नंबर 201, Our Lord gave us the good in this world and the good in the hereafter. हमें इस दुनिया में भी और अगले जहान में भी कामयाबी दे, हमें इस जहान की भलाई भी दे और अगले जहान की भलाई भी दे। ये इंसान को दुआ सिखाई गई है। मतलब दुनियावी ज़िंदगी की भी अहमियत है, इसकी अहमियत से इनकार हमने नहीं करना, क्योंकि ये दुनिया ना हो तो हम आखिरत की तैयारी कैसे कर पाएंगे। ये ऑर्गेनिक स्टेज है फॉर प्रिपरेशन फॉर द नेक्स्ट स्टेज। एवरी इंडिविजुअल मुस्लिम हैज टू रिगार्ड हिमसेल्फ एज पर्सनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल हैपनिंग्स अराउंड हिम एंड टू स्ट्राइव फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ राइट एंड द एबोलिशन ऑफ रॉन्ग एट एवरी टाइम एंड इन एवरी डायरेक्शन। अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, ये इन्वर्टेड कॉमास में है, लिहाजा ये भी कापी है। सूरह आल इमरान 110, यू आर द बेस्ट कम्युनिटी दैट हैज़ बिन सेंट फोर्थ इनटू मैनकाइंड, यू एंजॉइन द राइट एंड फॉरबिड द रॉन्ग एंड यू हैव फेथ इन गॉड। तुम बेहतरीन उम्मत हो जो कि भेजी गई हो, तुम अच्छे कामों का हुक्म देते हो और बुरे कामों से रोकते हो, और तुम अल्लाह ताला पर ईमान रखते हो। यहाँ पे आथर ये कंपैरिजन करता है रोमन एम्पायर वर्सेस इस्लामिक एम्पायर। इट टुक द रोमन एम्पायर नियरली 1000 ईयर्स टू ग्रो टू इट्स फुल ज्योग्राफिक एक्सटेंट एंड पॉलिटिकल मैच्योरिटी। While the Islamic empires sprang up and grew to its fullness within a short period of about 80 years. रोमन एम्पायर को तकरीबन 1000 साल लगा अपनी पीक पे पहुंचने में, जबकि इस्लामिक एम्पायर को सिर्फ 80 साल लगे। जब रोमन एम्पायर को इस्लामिक एम्पायर के साथ कंपेयर करते हैं तो रोमन एम्पायर को, जिसको 1000 साल लगा था अपनी फुल पोटेंशियल पे पहुंचने में, उसके जवाल में सिर्फ 1 साल लगा, या एक सदी लगी, 100 साल। यानी जो 1000 सालों में बिल्ड हुई, उसको ख़त्म होने में, जवाल आने में, डाउनफॉल में 100 साल लग गया। जबकि इस्लामिक एम्पायर जो है, बहुत सारी डिफॉर्मेशन आई, बहुत सारी डायनेस्टिक चेंजेस आई, लेकिन इसकी जो स्ट्रक्चर है वो तकरीबन वही रही। तो इस पे उस लिहाज से हम ये नहीं कह सकते कि कोई जवाल आया। 80 साल में जो इस्लामिक वर्ल्ड बनी वो आज तक कायम है, उसकी कमज़ोरियाँ अपनी जगह पे हैं। उन्हीं कमज़ोरियों के लिए हल जो है वो इसी किताब में तजवीज़ किया गया है। Even the attacks, particularly of the Mongols, were not able to shake the social organization and the unbroken political existence of the Islamic Empire. मंगोल भी इनको, इस्लामिक एम्पायर को नुकसान उस तरीके से ना पहुंचा पाए कि उसको मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर देते। In contrast with the 1 century which was needed to destroy the Roman Empire, the Islamic Empire of the collapse of the caliphs needed about a millennium of slow decay until its ultimate political breakdown, represented in the extension of the Ottoman Caliphate, became a fact, followed by the signs of social dissolution which we are witnessing at present. तो आथर ये कहता है कि जो मुस्लिम कैलिफेट है उसको पॉलिटिकली ब्रेकडाउन होने में तकरीबन 1 मिलेनियम लगा, और मुस्लिम वर्ल्ड तो अभी भी कायम है, इसकी वो कमज़ोरियाँ और वो चीज़ें हैं अपनी जगह पे। While in the Islamic Empire there was no privileged nation and power was made subservient to the propagation of an idea regarded by its torch bearers as the sublime religious truth. The idea underlying the Roman Empire was conquest of power and the exploitation of other nations for the benefit of the mother country alone, to promote better living for a privileged group. No violence for the Romans was too bad, no injustice too base. एक और कंपैरिजन करता है इस्लामिक एम्पायर और रोमन एम्पायर का। इस्लामिक एम्पायर सारे बराबर थे और अल्लाह ताला के दीन की तबलीग के सामने पावर जो है वो सबसर्वेंट थी, लेकिन रोमन एम्पायर का जो आइडिया था वो डिफरेंट था। वो था कंकेस्ट ऑफ पावर और दीगर कौमों का इस्तेहसाल, ताकि उनका अपना जो मुल्क है उसकी भलाई के लिए वो काम करते थे, वो इंसानियत की भलाई के लिए नहीं थे। और उनके नज़दीक वायलेंस और इनजस्टिस भी अलाउड था, वो बैड नहीं था। फिर वो एक और कंपेरिजन करता है कि रोमन्स नेवर इन रियलिटी न्यू रिलीजन, देयर ट्रेडिशनल गॉड्स वर ए पेल इमिटेशन ऑफ ग्रीक मिथोलॉजी, मेयर कलरलेस गोस्ट साइलेंटली एक्सेप्टेड फॉर द बेनिफिट ऑफ सोशल कन्वेंशन। इन नो वे दोज गॉड्स वर अलाउड टू इंटरफेयर विद रियल लाइफ। रोमन्स का मजहबी अकायद कोई ख़ास नहीं थे, वो सिर्फ ग्रीक मिथोलॉजी को कॉपी करते थे। उनके जो देवता थे वो बस बुतों की तरह थे, जिनका कोई इतना ख़ास प्रैक्टिकल लाइफ में रोल नहीं था। But the fact remains that all that is real today in Western ethics and outlooks on life is directly traceable to the old Roman civilization. क्योंकि ये इन्वर्टेड कामाज में है, मैं पहले बता चुका हूँ कि इन्वर्टेड कामाज में जो लिखा है वो आप हूबहू कॉपी कर सकते हैं, बाकी वो मैंने लिखा है वो भी आप लिख सकते हैं, बट इन्वर्टेड कामाज का मतलब यह है कि मैंने किताब से ये टेक्स्ट ऐसे ही उठाया है। आथर कहता है कि जो भी वेस्टर्न एथिक्स हैं, आउटलुक ऑन लाइफ है, इसकी जो बुनियाद है ये रोमन सिविलाइजेशन है। अब यहाँ पे एक छोटा सा कंपैरिजन देता है चाइनीज सिविलाइजेशन के साथ। वो ये कहता है though Chinese civilization has shown powers of resistance through centuries, it cannot be compared with Islamic civilization. Chinese civilization ने resistance दिखाई है सदियों तक, लेकिन इसका comparison Islamic civilization से नहीं है। उसकी वजह बताता है interesting कि ये एक बड़े आजम के एज पे वाक़या है और तकरीबन 50 साल पहले तक या मॉडर्न जापान के राइज होने तक ये किसी भी मुखालिफ ताकत की पहुंच में नहीं थी। जोग्राफिकल लोकेशन की वजह से ये महफूज थी और अभी 50 साल पहले ही ये दुनिया पे ज़्यादा एक्सेसिबल हुई है या जापान के राइज तक ये हुई है। अनटिल द राइज ऑफ मॉडर्न जापान इट वाज बियॉन्ड द रीच ऑफ एनी रेबल पावर। Even the war with the Mongols at the time of Genghis Khan and his successors touched hardly more than the fringe of the Chinese Empire. मंगोल भी वहाँ तक नहीं पहुँचे, ये अनटच्ड रही, ज़्यादातर अनटच्ड रही। But the Islamic Empire stretched over 3 continents and was all the time surrounded by the inimical powers of strength and vitality. The Near and Middle East was the volcanic center of conflicting racial and cultural energies. इस्लामिक एम्पायर के साथ ऐसा केस नहीं था क्योंकि इस्लामिक एम्पायर 3 बराज़मों पर फैली हुई थी और ये अपने मुखालिफ ताकतों के अंदर घिरी हुई थी। तो इसकी वाइटैलिटी सही चेक हुई और ये बिल्कुल स्ट्रेंथ इसकी ज़्यादा इस्टेब्लिश हुई क्योंकि इसने बहुत मुखालिफ ताकतों का मुकाबला किया। फिर वो बात करता है superiority of Islamic civilization क्यों? It was the religious teaching of the Quran that gave a solid foundation at the life example of the Prophet Muhammad, peace and blessing be upon him, that became a band steel around that grand social structure. The Roman Empire broke down so rapidly as it had no spiritual element to keep it together. Islamic civilization की खास बात ये है कि इसका स्पिरिचुअल एलिमेंट भी है, कुरान की तालीमात हैं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी की मिसालें हैं जिनके ऊपर इस्लाम का मजबूत बुनियाद खड़ी है। रोमन एम्पायर इसलिए जल्दी ब्रेक डाउन हो गई क्योंकि इसकी कोई स्पिरिचुअल एलिमेंट, कोई रिलीजियस सिस्टम ऐसा नहीं था इसके पीछे। इस्लामिक वर्ल्ड के पीछे डिवाइन गाइडेंस का जो सिस्टम मौजूद है वह इसको सहारा दे के खड़ा है। अच्छा, वेस्टर्न सिविलाइजेशन में अल्लाह ताला का कंसेप्ट क्या है? इट डज नॉट डिनाई गॉड बट हैज नो रूम एंड नो यूज फॉर हिम इन इट्स प्रेजेंट इंटेलेक्चुअल सिस्टम। खुदा को इनकार नहीं करते लेकिन चूंकि उनके सिस्टम में कोई गुंजाइश नहीं है, वो अपने काम में बिजी हैं, उनको फुर्सत ही नहीं है अपनी मॉडर्न जो मटेरियल प्रोग्रेस है उससे, तो उनके लिए अल्लाह ताला का कंसेप्ट कोई ख़ास मायने नहीं रखता। Thus, the modern Occidental is likely to attribute practical importance only to such ideas as lie within the scope of empiric sciences, or at least are expected to influence men's social relations in a tangible way. And as the question of the existence of God does not prima facie belongs to either of these two categories, the Western mind is on principle inclined to exclude God from the sphere of practical consideration. जो modern Western mind है वो सिर्फ 2 चीज़ों को अहमियत देता है, वो आइडियाज़ जो कि साइंस से रिलेट करते हैं, फिजिकल साइंसेस से या साइंसेस की जितनी ब्रांचेस हैं, या आप कह दें कि ऐसे तमाम एथिकल प्रिंसिपल जो इंसानों के आपस के ताल्लुकात को मैटर करते हैं, तो इन चीज़ों की प्रैक्टिकल यूटिलिटी है, उन चीज़ों को वेस्टर्न माइंड अहमियत देता है या उसको लगता है। ये भी एक बात है, उसको अगर लगता है कि इन चीज़ों की प्रैक्टिकल यूटिलिटी है तो उनको वो अहमियत देते हैं। प्रिंसिपली वो ये कहते हैं कि अल्लाह ताला का जो कंसेप्ट है वो उनकी प्रैक्टिकल कंसिडरेशन से ताल्लुक नहीं रखता, तो इसको वो एक्सक्लूड करते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ वो उन चीज़ों को मानते हैं जिनका वजूद या जिनका सिस्टम में होना उनको ये लगता है कि उनके लिए फ़ायदामंद है, उनके लिए कोई फ़ायदा दे सकता है। लाइक एम्पिरिकल साइंसेस हैं, लाइक एथिकल प्रिंसिपल्स हैं, प्रैक्टिकल यूटिलिटी के तमाम एस्पेक्ट्स को जहन में रख के उनको फॉलो करते हैं, और अगर उनको लगता है कि ये कंसेप्ट ऑफ गॉड उनसे रिलेट नहीं करता तो उसको डिनाई कर देते हैं, उसको एक्सक्लूड कर देते हैं अपनी प्रैक्टिकल कंसिडरेशन से। आगे एक और बड़ी खूबसूरत डिबेट छेड़ता है आथर, ये कहना कि मॉडर्न वर्ल्ड क्रिश्चियनिटी की पैदावार है, ये बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है। ईसाइयत का मॉडर्न वेस्ट के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। देयर कैन बी नो ग्रेटर एरर देन टू कंसिडर वेस्टर्न सिविलाइजेशन एज एन आउटकम ऑफ क्रिश्चियनिटी। वो ये कहता है कि प्रैक्टिकल अचीवमेंट्स ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न सिविलाइजेशन कैन नॉट बी एस्क्राइब टू द सपोज्ड एफिकेसी ऑफ क्रिश्चियन टीचिंग्स। It concentrated all its energies on the material and intellectual progress backed by scientific knowledge and ignored the ethical and moral side that defied scientific proof. Christianity has contributed very little to the powerful scientific and material development in which the present civilization of the West excels all others. Indeed, those achievements emerged out of Europe's age-long intellectual fight against the Christian Church and its outlook on life. हालांकि जो ईसाइयत है उसके खिलाफ तो यूरोप के जो मटेरियल डेवलपमेंट्स हुई हैं, उनका जो इंटेलिजेंसिया था, उनके जो साइंटिस्ट थे या उनके एहल-ए-इल्म लोग थे, उनकी तो वेस्ट की तो जंग रही है चर्च के साथ, और उस जंग के नतीजा में ही उन्होंने तरक्की की है। तो लिहाजा क्रिश्चियनिटी का कोई रोल नहीं है वेस्ट की मटेरियल प्रोग्रेस में। अच्छा, क्रिश्चियनिटी का जो कंसेप्ट है, इट रिप्रेजेंटेड सेक्स एज समथिंग बेस्ड ऑन द फॉल ऑफ आदम, पीस बी अपॉन हिम एंड ईव इन द पैराडाइज, द ओरिजिनल सिन एंड इट्स अटोनमेंट थ्रू क्राइस्ट्स क्रूसिफिकेशन। तो क्रिश्चियनिटी जो है ना वो कंटेम्प्ट ऑफ नेचर के ऊपर थोड़ा बेस करती है। ऑल दिस लीड्स टू एन इंटरप्रिटेशन ऑफ ह्यूमन लाइफ नॉट एज ए पॉजिटिव स्टेज बट ऑलमोस्ट एज ए नेसेसरी इवल, कि इंसान की जो जिंदगी है ये उस गुनाह का नतीजा है जिस बिलीफ सिस्टम डज नॉट इनकरेज एनर्जेटिक एंडीवर्स कंसर्निंग वर्ल्डली नॉलेज एंड द इम्प्रूवमेंट ऑफ द कंडीशंस ऑफ अर्थली लाइफ। अब ये इन्वर्टेड कामाज में आ गया। ड्यूरिंग द मिडिल एजेस व्हेन द चर्च वाज ओमनीप्रेजेंट देयर यूरोप हैड नो विटैलिटी एंड नो प्लेस व्हाटसोएवर इन द रियल्म ऑफ साइंटिफिक रिसर्च। कुरूने वस्ता में जब चर्च जो है वो बहुत ज़्यादा उसकी ताकत थी, तो उस टाइम यूरोप का कोई मकाम नहीं था साइंसी तरक्की में। तो ये वो आर्गूमेंट दे रहा है कि क्रिश्चियनिटी तरक्की की मुखालिफ रही है, और यूरोप ने जो तरक्की की है, वेस्ट ने जो तरक्की की है, वो चर्च से लड़ झगड़ के की है। द मॉडर्न साइंटिफिक एज इन विच वी आर लिविंग एट प्रेजेंट वाज नॉट ओरिजिनेटेड इन द सिटीज ऑफ क्रिश्चियन यूरोप बट इन सच इस्लामिक सेंटर्स एज दमिश्क, बगदाद, कैरो, कोर्डोबा, निशापुर एंड समरकंद। तो ये कहता है कि जो मॉडर्न साइंटिफिक एज है ये शुरू जो है ये इस्लामिक सिटीज से हुई है, सिटीज ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड जो कि उस टाइम इलम और तहजीब का गवारा थे। इट वाज इस्लामिक सिविलाइजेशन दैट इन्फ्यूज्ड वेस्ट विद फ्रेश लाइफ एंड थ्रस्ट फॉर प्रोग्रेस। बहुत बड़ी बात कर दी कि यूरोप को और वेस्ट को साइंसी तरक्की का रास्ता इस्लामिक सिविलाइजेशन ने दिखाया। अब यहाँ पे एक सवाल ये पैदा होता है कि अगर इस्लाम नहीं दिखाया तो अब ये जवाल पजीर क्यों है इस्लामिक वर्ल्ड? इसका जवाब वो आगे देगा। 3 रीजंस वाई मॉडर्न वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज एंटी रिलीजियस। 3 वजूहत देता है कि क्यों ये एंटी रिलीजियस क्यों है। नंबर 1, हेरिटेज ऑफ रोमन सिविलाइजेशन विद इट्स अटरली मटेरियलिस्टिक एटीट्यूड। रोमन सिविलाइजेशन जो कि मटेरियलिस्टिक थी तो उसी का ये हेरिटेज है। The revolt of human nature against the Christian world, contempt and the suppression of natural desires and legitimate endeavors of man। क्योंकि क्रिश्चियनिटी उधर थी, वेस्ट के अंदर थी, तो क्रिश्चियनिटी चूँकि आपकी लेजिटिमेट डिज़ायर्स को ही सप्रेस करती है और आपके जो जायज़ दुनिया में आप तरक्की करनी है या आगे बढ़ना है या आपकी जो तरक्की करने के मौके हैं उनकी ही कंटेम्प्ट बेस करती है, तो फिर ये भी एक रिवोल्ट था ह्यूमन नेचर का अगेंस्ट द क्रिश्चियन वर्ल्ड। तीसरा, anthropomorphic conception of God which resulted from the belief about the Jesus Christ as the Son of God। तीसरा जो था वो अल्लाह ताला का वो तस्वर था इंसानी कि अगर वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाप हैं तो उनकी एक इंसानी शक्ल जहन में आती थी। तो ये 3 वजूहत थी जिसकी बुनियाद पे हम कह सकते हैं आथर ने ये कहा है कि मॉडर्न वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है वो एंटी रिलीजियस हो गई। Worship of material progress is the new religion whose temples are the gigantic factories, cinemas, chemical laboratories, dancing halls, hydroelectric works, and its priests are bankers, engineers, film stars, and captains of industry। यूरोप में या वेस्ट में एक नया मजहब इजाद हुआ वक्त के साथ साथ, जिसका टेंपल जो है वो फैक्ट्रीज हैं, सिनेमाज हैं, केमिकल लेबॉर्ट्रीज हैं, डांसिंग हॉल्स हैं, बड़े बड़े डैम्स हैं, और इसके जो पादरी हैं वो बैंकर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, फिल्म स्टार्स हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं। मॉरलिटी इज कन्फाइंड टू द क्वेश्चन ऑफ प्रैक्टिकल यूटिलिटी अलोन। और एथिक्स का उतना ताल्लुक है वहाँ तक महदूद कर दिया गया जहाँ तक उसकी प्रैक्टिकल यूटिलिटी है। अच्छा, वेस्ट के अंदर जो सेक्सुअल फेडलिटी है उसका क्या कंसेप्ट है? सेक्सुअल फेडलिटी एंड डिसिप्लिन आर क्विकली बिकमिंग ए थिंग ऑफ द पास्ट इन द मॉडर्न वेस्ट बिकॉज दे आर मेनली मोटिवेटेड बाय एथिक्स एंड एथिकल कंसिडरेशंस हैव नो टेंजिबल इमीडिएट इन्फ्लुएंस ऑन द मटेरियल वेलबीइंग ऑफ सोसाइटी। चूँकि सेक्सुअल डिसिप्लिन का तल्लक मटेरियल वेलबीइंग से डायरेक्टली इस्टेब्लिश नहीं है, एक आज़ाद ख्याल साइंटिफिक माइंड में ये नहीं इस्टेब्लिश होता, लिहाजा वो इसको भी कहते हैं कि ये कोई इतना ज़रूरी नहीं है। कंसेंटेड अगर आप मखलूत मेल मिलाप रखते हैं तो इसको वो कोई ख़ास अहमियत नहीं देते क्योंकि इसकी कोई डायरेक्ट बेयरिंग नहीं है ऑन दी मटेरियल वेलबीइंग ऑफ दी सोसाइटी एज पर देयर माइंड सेट। In Islam, the first and foremost objective is the moral progress of man, and therefore ethical consideration overrule the purely utilitarian ones। Islam का कंसेप्ट डिफरेंट है। इस्लाम ये कहता है कि moral progress of man वो बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे एक सवाल है कि क्या मुसलमानों को वेस्ट को इमिटेट करना चाहिए, कॉपी करना चाहिए? तो यहाँ पे राइटर क्लैरिफाई करता है कि दैट इफ मुस्लिम इमिटेट वेस्टर्न सिविलाइजेशन इन इट्स स्पिरिट एंड इट्स मोड ऑफ लाइफ इट इज़ लाइक डीलिंग फैटल ब्लो टू दी वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ इस्लाम एज ए थियोक्रेटिक पॉलिटी एंड ए प्रैक्टिकल रिलीजन। अगर ऐसा करेंगे, मुसलमान कॉपी करेंगे, तो ये इसकी जो एग्जिस्टेंस है इस्लाम की एज ए पोलिटिकल सिस्टम और एज ए प्रैक्टिकल रिलीजन वो ख़त्म हो जाएगी। फिर ये कहता है कि इन्वर्टेड कामाज में कापी है द इमिटेशन इंडिविजुअली एंड सोशली ऑफ द वेस्टर्न मोड ऑफ लाइफ ऑफ मुस्लिम इज अनडाउटेडली द ग्रेटेस्ट डेंजर फॉर द एग्जिस्टेंस और अदर द रिवाइवल ऑफ इस्लामिक सिविलाइजेशन। यहाँ पे आथर जी कहते हैं अगर आप कॉपी करेंगे तो फिर इस्लामिक सिविलाइजेशन रिवाइव नहीं हो सकेगी। मुस्लिम बीइंग इग्नोरेंट ऑफ द ट्रू टीचिंग्स ऑफ इस्लाम अडॉप्टेड द सोशल एंड इकोनॉमिक रूल्स ऑफ द वेस्ट। मुसलमानों ने अपनी जहालत की वजह से जो कि इस्लाम की टीचिंग्स के बारे में थी, वो नहीं जानते इस्लाम की असल टीचिंग्स को, उन्होंने वेस्ट के सोशल एंड इकोनॉमिक रूल्स अपना लिए। दे मिस्टेकनली believed that Islamic system of society and economics is not according to the requirements of the progress and should therefore be modified on Western lines. They considering the teachings of theologians as Islam, they considered the teachings of theologians as Islam, which was a great misunderstanding. Quran and Sunnah is the true Islam. यहाँ पे आथर ने प्रिंस सैयद हलीम पाशा को कोट किया, जो उनकी मशहूर किताब है इस्लाम लाशमक। इस किताब में प्रिंस लिखते हैं, साबित किया प्रिंस ने कि इस्लामिक शरिया इज नॉट द हिंड्रेंस टू मॉडर्न प्रोग्रेस, कि इस्लामिक शरिया जो है वो मॉडर्न प्रोग्रेस में कोई रुकावट नहीं है। फिर जो आथर है वो इमोशनल बायस का जिक्र करता है कि वेस्ट क्यों इस्लाम की तरफ इमोशनली बायस्ड है, बाकी रिलीजन्स की तरफ उस तरह इमोशनली बायस्ड नहीं है, इसका वो जिक्र करता है। This bias can be traced back to the first great clash between United Europe and Islam, the Crusades. The Crusades decided the European attitude toward Islam for many centuries to come. Without indulging in undue exaggeration, we can say that modern Europe was born out of the spirit of the Crusades. तो आथर ये कहता है कि जो यूरोप का, वेस्ट का बायस है इस्लाम की तरफ, इसकी जो बुनियाद है वो सलेबी जंगें हैं जिसका काफी असर लिया यूरोप ने। इट वॉज दी हेटरेड ऑफ इस्लाम दैट स्टूड एज गॉड फादर बिहाइंड द न्यू क्रिएशन। अच्छा, इस्लाम की जो नफरत थी ये यूरोप की यूनिफिकेशन का भी एक सोर्स रही। एट दैट टाइम द रिडिकुलस नोशन ऑफ इस्लाम एज रिलीजन ऑफ क्रूड सेंसुअलिज्म and brutal violence of an observance of formalities instead of a purification of the earth entered the mind of Europe and remained there. Europe ये समझता है कि इस्लाम जो है वो सिर्फ और सिर्फ सेंसुअलिज्म है, ब्रूटल वायलेंस का है, और ये फॉर्मेलिटीज़ को ऑब्जर्व करते हैं, नमाज पढ़ ली, हज फॉर्मेलिटी। तो इसका ये कंसेप्ट नहीं है कि इससे कोई प्योरीफिकेशन ऑफ हार्ट होती है। यूरोप ये समझता है इस्लाम के बारे में। ये मोहम्मद असद साहब के वर्ड्स हैं। आगे ये कहता है, दो द सिविलाइजेशन ऑफ इस्लाम एंड ऑफ द वेस्ट आर एंटायरली डिफरेंट इन देयर स्पिरिचुअल फाउंडेशंस एंड देयर सोशल एम्स, दे श्योरली शुड बी एबल टू टॉलरेट वन अनदर एंड टू लिव साइड बाई साइड इन ए फ्रेंडली इंटरकोर्स। तो पीसफुल को एग्जिस्टेंस बिटवीन इस्लाम एंड दी वेस्ट इज पॉसिबल, और ऐसा होना भी चाहिए। कुरान पाक की बहुत सारी आयात हैं एटीट्यूड ऑफ इस्लाम टुवार्ड्स लर्निंग, और वो आयात इस तरह की हैं कि आप बहुत सारे एक्सप्रेशंस हैं लाइक यू मे बिकम वाइज एंड दैट यू मे थिंक दैट यू मे नो एंड ही टॉट आदम ऑल दी नेम्स। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तमाम नाम सिखाए। नामों से मुराद जो है वो इंसान तमाम इल्म था, वो बेसिकली इल्म की तरफ इशारा था। सूरह बकरा आयत नंबर 31, सूरह बकरा आयत नंबर 31 में अल्लाह ताला कहता है ही टॉट आदम द नेम्स ऑफ ऑल थिंग्स देन ही प्रेजेंटेड देम टू द एंजल्स एंड सेड टेल मी द नेम्स ऑफ दीज इफ व्हाट यू से इज ट्रू। तो इफ एनीबॉडी, ये हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है, इफ एनीबॉडी गोज ऑन हिज वे इन सर्च ऑफ नॉलेज अल्लाह विल मेक इजी फॉर हिम द वे टू पैराडाइज। सही मुस्लिम की हदीस है कि अगर कोई इंसान जाएगा इल्म के रास्ते पे तो अल्लाह ताला उसका जन्नत का रास्ता आसान कर देगा। फिर एक हदीस पाक है तिर्मिज़ी, अबू दाऊद, इब्न माजा की अंदर कोटेड है कि एक जो पढ़ा लिखा इंसान है उसकी एक आबिद, एक इबादत गुजार के ऊपर जो सुपीरियरिटी है वो ऐसे ही है जैसे कि चांद की सितारों के ऊपर। Islam was never a barrier to progress and science. It appreciates the intellectual activities of man to such a degree as to place him above the angels. No other religion went over so far in asserting the dominance of reason and consequently of learning above all other manifestations of life. इस्लाम ने बहुत ज़्यादा अहमियत दी लर्निंग को, सीखने को, आगे बढ़ने को, प्रोग्रेस को, मटेरियल प्रोग्रेस को। इस्लाम ने बहुत ज़्यादा अहमियत दी है, नॉलेज को, लर्निंग को बहुत ज़्यादा अहमियत दी है इस्लाम ने। ये गलत कंसेप्ट है, ये भी एक कंसेप्ट है मुसलमानों में कि इस्लाम ने सिर्फ दीनी इल्म पे जोर दिया है। इस्लाम ने दीनी और दुनियावी दोनों उलूम की हसूल पे जोर दिया है। The writer asserts that the Muslims should have modern learning, but they must not wish to exchange the spiritual civilization of Islam for the materialistic experiments of the West. बहुत खूबसूरत बात ये है कि अगर तबादला करना पड़े तो मुसलमानों को अपना स्पिरिचुअल सिविलाइजेशन जो है वो नहीं देनी चाहिए इन रिटर्न फॉर मटेरियल एक्सपेरिमेंट्स। मटेरियलिस्टिक जो प्रोग्रेस है वो नहीं लेनी चाहिए। दोनों, पहली बात तो यह है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है नहीं, लेकिन अगर ऐसा होता है तो मुसलमानों के पास जो स्पिरिचुअल सिविलाइजेशन है ये बहुत कीमती है एज कंपेयर टू मटेरियलिस्टिक डेवलपमेंट्स। कॉजेज ऑफ आवर प्रेजेंट डिके, अब मुस्लिम वर्ल्ड के डिके की तरफ वो आ रहा है। वी हैव नो राइट इन आवर प्रेजेंट मिजरी टू बोस्ट ऑफ पास्ट ग्लोरीज, but we must realize that it was the negligence of Muslim and not deficiency in the Islamic teaching which caused our present decay. मुसन्निफ़ ये कहता है कि हमें कोई हक नहीं कि हम अपनी माजी की अज़मतों के ऊपर बात करें, लेकिन हमें ये जानना होगा कि मुसलमानों की जो गफलत है वही सबसे बड़ी वजह है। इस्लामिक सिस्टम में कोई फॉल्ट नहीं था। The Muslim did not follow that principle of Islam which imposes the duty of learning and knowledge on every Muslim. The writer's proposals regarding curriculum, वो ये कहता है निसाब के बारे में, of all intellectual achievements of the West, only natural sciences and mathematics should be taught in Muslim schools, and the tuition of European philosophy, literature, and history should lose the position of primacy which today it holds in the curriculum. बहुत खूबसूरत बात कि हमें अपने निज़ाम तालीम में, अपने निसाब में सिर्फ नेचुरल साइंसेस को और मैथमेटिक्स को शामिल करना चाहिए और मुसलमान स्कूलों में पढ़ाना चाहिए जो कि वेस्ट से आई हैं। हाँ, यूरोपियन फिलासफ़ी, लिटरेचर और हिस्ट्री को इतना प्राइमेसी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि इस तरीके से क्या होता है जो हमारा यूथ है, हमारा यूथ वो वेस्ट से मरूब हो जाता है। इस्लामिक लिटरेचर शुड रिप्लेस दी वेस्टर्न लिटरेचर। This is how we can prevent our youth from imitating the Western civilization. Islam abolished racial hatred and opened the way for human brotherhood and equality. No classes in Islam. Racial and national antagonisms in Western civilization, full of class struggle and social hatred. यहाँ पे एक और कंपेरिजन, इस्लाम में कोई क्लास सिस्टम नहीं है जबकि वेस्ट में ऐसा है। क्लासेस हैं, वहाँ पे स्ट्रगल भी है, सोशल हेटरेट भी है। यहाँ पे जो आथर एक नसीहत करता है, इन ऑर्डर टू अचीव द रीजनरेशन ऑफ इस्लाम द मुस्लिम मस्ट फ्री देमसेल्फ एंटायरली फ्रॉम द स्पिरिट ऑफ अपॉलोजी फॉर द रिलीजन। दे शुड नॉट बी अपॉलोजेटिक। ए मुस्लिम शुड बी प्राउड ऑफ हिज रिलीजन। द वर्ल्ड ऑफ इस्लाम शुड नॉट इमिटेट द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, अदरवाइज इट विल लूज इट्स कल्चरल एंड स्पिरिचुअल ग्राउंड। मुस्लिम एट द क्रॉस रोड। Islam is not only a belief of heart, but a program of individual and social life. It can be destroyed by being assimilated to another civilization with different moral foundations. जिस सिविलाइजेशन की बुनियादें ही डिफरेंट हैं, आप उसके साथ सिमिलेट नहीं कर सकते, उसके साथ उसको कॉपी करेंगे तो आप अपनी शनाख्त खो देंगे। Muslims are at the crossroad. One road is leading to the Western civilization and the other goes to the reality of Islam. They should choose the latter one. मुसलमान एक क्रॉस रोड पे खड़े हैं, चौराहे पे खड़े हैं, एक रास्ता जा रहा है वेस्ट की तरफ और दूसरा जा रहा है इस्लाम की बुनियाद की तरफ, तो आप रियलिटी ऑफ इस्लाम की तरफ जाएं। अब आथर एक बहुत अहम मौजू पे गुफ्तगू करता है, सुन्ना की क्या अहमियत है। The author prescribes that the natural diet for the sick body of the Muslim world is the sunnah of our holy prophet, peace be upon him. Observance of the sunnah is synonymous with Islamic existence and progress. Neglect of the sunnah is synonymous with decomposition and decay of Islam. बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस अटैच करता है और वाकई है भी ऐसा ही। सुन्ना की बहुत ज़्यादा अहमियत है। कुरान इस्लाम दो चीज़ों के ऊपर खड़ा है, एक तो कुरान और दूसरा है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, उनकी लाइफ एग्जांपल, उनकी सेइंग्स, उनकी डूइंग्स। The sunnah was the iron framework of the house of Islam, and if you remove the framework of a building, you be surprised if it breaks down like a house of cards. ये उसके इन्वर्टेड कमाज हैं। The word sunnah in its widest meaning is the example of Holy Prophet which he set before us in his actions and sayings. His life was a living illustration of the Holy Quran. We can do no greater justice to the Holy Quran than by following him who was the means of its revelation. जिस हस्ती पे कुरान पाक नाजिल हुआ उस हस्ती को फॉलो करना ही कुरान पाक के साथ इंसाफ है, इस्लाम के साथ इंसाफ है। Our reasoning tells us that there could not possibly be a better interpreter of the Quranic teachings than he through whom they were revealed to humanity. जिस पाक हस्ती पे कुरान पाक नाजिल हुआ उससे बेहतर तशरीह करने वाला कोई और नहीं हो सकता कुरान पाक की। उस हस्ती ने कुरान पाक की तशरीह कैसे की? अपनी अहादीस के जरिए की, अपनी बातों के ज़रिए की और अपने अमल से की। तो हमारे ऊपर ये लाजमी है कि हम कुरान पाक की तशरीह सुन्नत की रोशनी में करें। ये है आथर का पॉइंट। वाट एवर द प्रॉफिट एंजॉयंस यू एक्सेप्ट एंड वाट एवर ही फॉरबिड्स यू अवॉइड। सूरह हशर आयत नंबर 7। जो रसूल तुम्हें देता है ले लें और जिससे वो मना करते हैं वो छोड़ दें। सूरह अन-निसा आयत नंबर 65। But no, by your Lord, they will never be true believers until they accept you, O Prophet, as the judge in their disputes and find no resistance within themselves against your decision and submit wholeheartedly. अल्लाह ताला के नबी को आप अपने तमाम डिस्प्यूट्स में जज बनाएं और उनके फैसलों के ख़िलाफ़ कोई अपने जहन में बदली ना लाएं उनके फैसलों को एक्सेप्ट करने में। Say, O Prophet, if you sincerely love Allah, then follow me. Allah will love you and forgive your sins, for Allah is all forgiving, most merciful. Surah al-Imran, आयत नंबर 31। ए पैगम्बर कह दो कि अगर आप अल्लाह से प्यार करते हैं तो मुझे फॉलो करें, अल्लाह ताला आपसे प्यार करेगा और तुम्हारे गुनाह बख्श देगा। यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया, अल्लाह ताला ने कुरान में कहा कि ए नबी आप ये कह दें कि आप मेरी इताअत करें। इताअत रसूल की अहमियत है। हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, मुसलमान सारे मोहब्बत करते हैं। उस मोहब्बत का तकाजा ये है कि उनकी बातों पे अमल किया जाए, उसकी मोहब्बत का तकाजा ये है कि उनकी तरह का लाइफ स्टाइल अपनाया जाए। इबादात में भी और मामलात में भी। हमारा मसला ये है कि हम मामलात में इताअत रसूल और इताअत अल्लाह नहीं करते। Say, O Prophet, obey Allah and His Messenger. If they still turn away, then truly Allah does not like the disbelievers. Surah Al-Imran, आयत नंबर 32। He does not speak of his own desire. Surah an-Najm, आयत नंबर 3। कि अल्लाह का रसूल अल्लाह की मर्जी के सिवा कोई बात नहीं करता, जो कहता है वो अल्लाह की मर्जी से कहता है। The Sunnah of the Prophet is therefore next to the Quran, the second source of Islamic law, of social and personal behavior. In fact, we must regard the Sunnah as the only valid explanation of the Quranic teachings. They only means to avoid dissension concerning their interpretation and adaptation to practical use. इस्लाम के जो दो बुनियादी सोर्सेज हैं, एक तो कुरान है और फिर दूसरा जो सोर्स है वो सुन्ना है ऑफ द प्रॉफिट, सेकंड सोर्स ऑफ इस्लामिक लॉ। अच्छा, सुन्ना जो है वो कुरान पाक की ओनली वैलिड एक्सप्लेनेशन है जिसके ज़रिए हम कुरान पाक की इंटरप्रटेशन कर सकते हैं, और उस रोशनी में करेंगे, सुन्ना की रोशनी में करेंगे तो हमारे दरमियान फिर इख्तलाफ नहीं होगा, और फिर हम जो इंटरप्रटेशन करेंगे वो प्रैक्टिकल यूटिलिटी के लिहाज से भी बहुत ज़्यादा समझ में आने वाली होगी। अब मुसलमानों में एक और ये भी एक कंसेप्ट है, एक गलतफहमी है कि ये बात फैलाई गई जानबूझ के कि अहादीस जो है वो ऑथेंटिक नहीं है, उनकी ऑथेंटिसिटी पे क्वेश्चन किया गया। तो मोहम्मद असद ने अपनी किताब में अहादीस की ऑथेंटिसिटी को बहुत अच्छे तरीके से साबित किया है। अहादीस क्या है? दीज आर द ट्रेडिशंस ऑफ द सेइंग्स एंड एक्शंस ऑफ द प्रॉफिट रिपोर्टेड एंड ट्रांसमिटेड बाई हिज कंपेनियंस एंड क्रिटिकली कलेक्टेड इन द फर्स्ट फ्यू सेंचुरीज ऑफ इस्लाम। तो आथर ये इस्टेब्लिश करता है कि अहादीस ऑथेंटिक हैं, जो अवेलेबल हैं ऑथेंटिक हैं। द कंपाइलर्स ऑफ द अर्ली हदीस कलेक्शन एंड पर्टिकुलरली द इमाम बुखारीज एंड मुस्लिम हैव डन व्हाटएवर वाज ह्यूमनली पॉसिबल टू पुट द ऑथेंटिसिटी ऑफ एवरी ट्रेडिशन टू ए फार रिगरस टेस्ट, ए फार मोर रिगरस टेस्ट दैन यूरोपियन हिस्टोरियंस यूजुअली अप्लाई टू एन एनी हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट। जो ये कंपाइलर्स थे मुहद्दिसीन इमाम बुखारी और मुस्लिम, इन्होंने सब कुछ वो किया जो इंसानी तौर पे मुमकिन था। हर हदीस पाक को, हर रिवायत को इन्होंने बड़ा रिगरसली टेस्ट किया, उनकी ऑथेंटिसिटी को, और ये यूरोपियन हिस्टोरियन से ज़्यादा रिगरस था जो कि वो किसी हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट को चेक करने के लिए टेस्ट लगाते हैं। क्या ऐसा मुमकिन है कि जो लोग अल्लाह के नबी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने के को तैयार हों वो अल्लाह के नबी से झूठी बातें मंसूब करेंगे? क्या ये बात सोची जा सकती है? क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया कि जो मुझ मेरे साथ झूठ बांधेगा, मुझसे झूठ मंसूब करेगा, उसका ठिकाना जहन्नुम है, वो आग में जलेगा। और ये हदीस इन तमाम मुहद्दिसीन ने कोट की हुई है। सही अल बुखारी में भी है, सन अबू दाऊद भी है, जमीयत तिरमिज़ी में भी है, सुनन इब्न माजा में भी है, मुसनद इब्न हंबल में भी है। ये इन बुजुर्ग हस्तियों ने, इन मुहद्दिसीन ने अपनी किताबों में कोट की है इस हदीस को। इसका मतलब ये है कि वो ये जानते हैं और वो हैं भी ईमान वाले, तो क्यों कोई नऊज़ बिल्ला झूठी हदीस जो है वो इसमें शामिल करेंगे, झूठी बात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब करेंगे। फिर एक और बात, एक और आर्गूमेंट आथर का ये है कि जब कोई झूठी बात मंसूब करता है तो उसके लिए कोई फ़ायदा होता है, कोई माली फ़ायदा होता है, कोई उसका पॉलिटिकल फ़ायदा होता है। तो यहाँ पे इन लोगों को क्या मिलना था, कोई ऐसी बात मंसूब करके क्या फ़ायदा इन्होंने लेना था? ये जो इमाम बुखारी हैं और इमाम मुस्लिम हैं, इन्होंने ऐसी तमाम रवायात को निकाल दिया जिनके अंदर ये गुमान था कि ये किसी मखसूस पार्टी के मफाद में जाती हैं और किसी ख़ास शख्सियत के बारे में भी हैं, उन रवायात को निकाल दिया अपनी किताबों में से, अपनी रवायात में से। और ये इसलिए एहतियात बरती गई कि कोई ऐसा पॉसिबिलिटी ना रहे कि कोई ऐसी चीज़ ना आ जाए जिसकी ऑथेंटिसिटी के ऊपर कोई डाउट हो और जिसके बारे में कोई शक हो, उनको भी इन्होंने निकाल दिया। हर उस रवायत को निकाला जो इनको लगा कि शायद ये किसी के मफाद में हो सकती है और या इसको कोई चांस हो सकता है कि किसी ने इसको बना लिया हो, तो उन्होंने ऐसी तमाम रवायात को खुद ही निकाल दिया। वट रिमेन्ड वाज फेयरली बियॉन्ड द सस्पेशन ऑफ गिविंग पर्सनल एडवांटेजेस टू एनीवन। जो अहदीस की बाकी है, जो अहदीस कोट हुई, जो इन मौजूद है ख़ासतौर पर इन दो किताबों में, इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम में, वही बाकी हैं जिनके अंदर किसी के लिए कोई ख़ास फ़ायदा, किसी ख़ास इंडिविजुअल के लिए, किसी ख़ास ग्रुप के लिए कोई फ़ायदा नहीं था। तो एक चीज़ जब किसी के फ़ायदे में नहीं है तो कोई उसमें कैसे हम कह सकते हैं कि किसी के फायदे के लिए बनाई गई है, या कोई उसमें कन्कॉक्शन क्यों करेगा, उसको फाल्सिफाई क्यों करेगा। The companions who were immediately associated with the Prophet preserved ahadith in their memory at the cost of great personal discomforts. There were two groups of companions who alternatively did this duty so that no doing or saying of the Prophet should escape their notice. जो सहाबाए कराम मामूर थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डूइंग और सेइंग को नोट करने के लिए, वो बहुत ज़्यादा मेमोरी से ये बातें महफूज करते थे। दो ग्रुप थे, एक ग्रुप अपने काम पे जाता था, दूसरा ग्रुप मौजूद रहता था। हर टाइम एक ग्रुप ऐसा होता था जो कि आसपास नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजूद रहता था, ताकि उनकी बातों को और उनके एक्शन को नोट करे और उनको महफूज करे। और एक बहुत बड़ी आर्गूमेंट है मोहम्मद असद ने दी है, अगर ये मुमकिन है सैकड़ों सहाबा के लिए कि वो कुरान पाक की स्पेलिंग और वर्डिंग को महफूज कर लें, किसी भी बात को भुलाए बगैर, विदाउट स्किपिंग एनी माइन्यूट डिटेल्स, तो उनके लिए ये मुमकिन क्यों नहीं है, बल्कि ये उनके लिए इक्वली पॉसिबल है कि वो अहादीस को भी वर्ड बाई वर्ड प्रिजर्व कर लें। ये एक बहुत बड़ा आर्गूमेंट है कि जिन सहाबाए कराम ने कुरान पाक को महफूज किया, उसकी कंपाइलेशन में हेल्प की, उसको महफूज किया, वही सहाबाए कराम ने अहादीस को भी महफूज किया, तो ऑथेंटिसिटी ऑफ हदीस जो है वो एस्टेब्लिश्ड है। The compilers ascribe perfect authenticity to those ahadith only which are reported in the same form through different independent chains of narrators। अहदीस की कंपाइलेशन के बारे में एक बात ध्यान में रहे कि जो कंपाइलर्स थे, जो मुहद्दिसीन थे, उन्होंने खुद एक बहुत रिगरस टेस्ट लगाया और उन्हीं अहदीस को ही कोट किया है अपनी किताबों में जो कि एक ही तरह से रिपोर्ट हुई थ्रू डिफरेंट इंडिपेंडेंट चेन्स ऑफ नरेटर्स। इन ऑर्डर टू बी ए सही हदीस, ए हदीस मस्ट बी कोरोबोरेटेड एट एवरी स्टेज ऑफ ट्रांसमिशन बाय द इंडिपेंडेंट एविडेंस ऑफ एटलीस्ट टू और पॉसिबली मोर ट्रांसमिटर्स। Until now, no critic has been able to prove in a systematic way that the body of hadith regarded as authentic according to the test standards of the foremost tradition is inaccurate। अभी तक कोई ऐसा क्रिटिक नहीं आया जो साबित कर पाया हो कि जो हदीसें कंपाइल हुई हैं, ख़ास तौर पे इमाम मुस्लिम और इमाम बुखारी में, वो ऑथेंटिक नहीं हैं। ये कोई भी साबित नहीं कर सका। लिहाजा हम कह सकते हैं और यकीन से कह सकते हैं कि अहादीस जो मौजूद हैं, ख़ास तौर पे इमाम मुस्लिम और इमाम बुखारी, इनका जो जिक्र यहाँ पे आया है, तो इनकी अहादीस जो है वो ऑथेंटिक हैं। और ये जो उन्होंने कोट किया, जो कंपाइल की हैं, वो ऑथेंटिक हैं। अच्छा, एक और खूबसूरत आर्गूमेंट ये देता है, अगर ऑथेंटिसिटी ऑफ हदीस इज नॉट एस्टेब्लिश्ड इन द माइंड ऑफ द मुस्लिम्स, हाउ कैन दे ब्रिंग देयर प्रेजेंट डिजेनरेट वेज ऑफ लिविंग एंड थिंकिंग इनटू लाइन विद द ट्रू स्पिरिट ऑफ इस्लाम एज रिफ्लेक्टेड इन द सुन्ना ऑफ आवर प्रॉफिट। मुसन्निफ ये कहता है कि अगर हम अहदीस की अथेंटिसिटी को ही मशकूक बना देते हैं, तो उससे फिर हम कैसे अपनी लाइफ को सुन्नत के मुताबिक कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि हमने सुन्नत के साथ अपना राब्ता जो है वो कमज़ोर कर लिया है। दीज अहदीस हेल्प इन दी करेक्ट इंटरप्रटेशन ऑफ दी कुरानिक टीचिंग्स। यही हदीसें ही तो बुनियाद हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत जो है वो दो चीज़ों के ऊपर बेस करती है, एक आपकी सेइंग्स और डूइंग्स। ये ट्रेडिशन हैं आपसे जो मनसूब हैं और जिनको कंपाइलर्स ने कंपाइल किया, मुहद्दिसीन ने कंपाइल किया, तो इनकी रोशनी में हमने कुरान पाक को इंटरप्रेट करना है। वाट एवर इट्स टीचिंग्स आर रिकगनाइज्ड एज रियली प्रोनाउंस्ड बाय दी वेयर एवर इट्स टीचिंग्स आर रिकगनाइज्ड एज रियली प्रोनाउंस्ड बाय दी कुरान आर दी प्रॉफिट, वी मस्ट एक्सेप्ट देम इन देयर कंप्लीटनेस, अदरवाइज दे विल लूज देयर वैल्यू। हमने कुरान और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को उनकी मुकम्मल तौर पर एक्सेप्ट करना है। ऐसा नहीं करना कि हम कुछ को एक्सेप्ट कर लें और कुछ को इग्नोर कर दें। तो अगर हम उसको पार्टली एक्सेप्ट करेंगे तो ये उनकी वैल्यू ख़त्म हो जाती है। आपने होल हार्टेडली, होली एक्सेप्ट करना है, कम्प्लीटली एक्सेप्ट करना है। इस्लाम का डिस्टिंग्विशिंग फीचर क्या है? इट वॉज कम्प्लीट रिकन्सिलिएशन बिटवीन द मोरल एंड द मटेरियल साइड्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। फॉर दिस फीचर इस्लाम गॉट इमेंस एक्सेप्टेंस ग्लोबली। इस्लाम की खूबसूरती ये है कि ये दुनियावी ज़िंदगी को और अखरूी ज़िंदगी को रिकनसाइल करता है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं बनाता कि आप दुनिया की ज़िंदगी ले लें आखिरत की छोड़ दें या आखिरत की ले लें दुनिया की छोड़ दें। वो ये कहता है कि आपकी जो अखलाकी और मादी साइड है, मॉरल एंड मटेरियल साइड, दोनों को आप कवर कर सकते हैं, स्पिरिचुअल साइड को कवर कर सकते हैं। आपने अगर इस्लाम के एम्बिट में आए हैं तो आपके लिए दुनिया और उसके मामलात छोड़ना ज़रूरी नहीं है, बल्कि इस्लाम इनकरेज करता है कि आप दुनियावी तरक्की भी हासिल करें, दुनियावी तौर पे भी आप प्रोग्रेस करें और अपने ईमान को सलामत रखते हुए आप अपने अगले जहान की, लाइफ हेयरआफ्टर की भी तैयारी करें। इट ब्रॉट टू मैनकाइंड द न्यू मैसेज दैट द अर्थ नीड नॉट बी डिस्पाइज्ड इन ऑर्डर दैट हेवन बी गेन्ड। जन्नत के हसूल के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप इस दुनिया की ज़िंदगी से नफरत करें, आप इस ज़िंदगी से प्यार कर सकते हैं, इस ज़िंदगी को पा सकते हैं। जो हिस्सा अल्लाह ताला ने आपके लिए रखा है इस दुनिया में उसको ज़रूर हासिल करें, लेकिन साथ साथ अपने ईमान को सलामत रख के तकवा के साथ आपने आखिरत की तैयारी भी करें और उस तैयारी के लिए आपको दुनिया छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। बट श्योरली एंड सर्टनली नो अनबायस्ड पर्सन वुड कंटेंड दैट देयर इज़ एनीथिंग इन इस्लाम contrary to reason. No doubt there are things in it beyond the limits of human understanding, but nothing which is contrary to it. इस्लाम में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि लॉजिक या रीज़न के खिलाफ हो। हाँ, कुछ ऐसी हो सकती हैं जो कि आपकी समझ में ना आए। तीन वजूहात बताता है मुसन्निफ कि जिसकी वजह से सुन्ना का इंस्टीट्यूशन के फ़वायद हैं, सुन्ना का इंस्टीट्यूशन है, उसकी तीन वजूहत हैं सुन्ना के लिए। पहला इसका इंडिविजुअल एस्पेक्ट है, ट्रेनिंग ऑफ मैन इन ए मेथोडिकल वे टू लिव परमानेंटली इन ए स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, वेकफुलनेस एंड सेल्फ कंट्रोल। दूसरा है सोशल इम्पोर्टेंस एंड यूटिलिटी, और तीसरा है नेसेसिटी ऑफ स्ट्रिक्टली फॉलोइंग इट। ये तीसरा मैंने आगे लिखा हुआ है, नेसेसिटी ऑफ स्ट्रिक्टली फॉलोइंग इट। तीन वजूहत हैं। तो पहली बात हम करते हैं कि ट्रेनिंग ऑफ मैन, सुन्ना को फॉलो करना क्यों ज़रूरी है, सुन्ना क्यों ज़रूरी है। पहली वजह है ट्रेनिंग ऑफ मैन, कि इंसान की ज़िंदगी से जो हैप्पीहैज़र्ड एक्शंस हैं और हैबिट्स हैं वो तकरीबन मिनिमम हो जाती हैं। इंसान जो है वो परमानेंटली एक ऐसे स्टेट में रहता है, इन स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, वेकफुलनेस, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सेल्फ कंट्रोल। तीसरी चीज़ ये वो ट्रेन होता है इंसान कि वो अनइम्पॉर्टेंट एक्शंस और अनइम्पॉर्टेंट हैबिट्स को छोड़ देता है। अगली चीज़ ये है कि वो उसका जो स्पिरिचुअल एंड मटेरियल सेल्स हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं, वो उनमें फ़र्क नहीं करता। वो कहता है कि मैंने मादी तौर पे भी तरक्की करनी है और स्पिरिचुअली भी आगे जाना है। क्योंकि मिसाल देता हूँ इस्लाम में कि ज़कात का हुक्म है, तो ज़कात अमीर आदमी देगा ना, जो पैसे कमाएगा वही ज़कात दे सकता है। तो इस्लाम के बहुत सारे फ़राइज़ ऐसे हैं जो कि आपकी माली तरक्की से मनसूब हैं। बहुत सारी चीज़ों का हुक्म है जो कि एक मालदार आदमी कर सकता है। तो हज जो है, हज एक गरीब जिसके पास पैसे नहीं हो तो नहीं कर पाएगा, साफ ज़ाहिर है। तो दुनियावी तरक्की भी ज़रूरी है ताकि आप इस्लाम के फरीज़े भी निभा सकें, जैसा कि ज़कात है, जैसा कि दूसरों की मदद है। तो इस्लाम बिल्कुल भी मादी या माली तरक्की का मुखालिफ नहीं है। इट कीप्स अस अवे फ्राम लेजीनेस ऑफ माइंड। आउटकम ऑफ फॉलोइंग सुन्ना इज़ डिपेंडेंट ऑन दी कॉन्शियसनेस ऑफ इट्स परफॉर्मेंस। आप जब सुन्ना को फॉलो करें तो आपके जहन में ये होना चाहिए कि आप उस हस्ती को फॉलो कर रहे हैं जिसके ऊपर डिवाइन गाइडेंस नाजिल हुई थी, और आप उसके स्पिरिट को फॉलो करें। द मोमेंट द प्रैक्टिस ऑफ द सुन्ना डिजनरेट्स इनटू मैकेनिकल रूटीन, इट एंटायरली लूजेज इट्स एजुकेटिव वैल्यू, सच हैज बीन द केस विद द मुस्लिम ड्यूरिंग द लास्ट सेंचुरीज। सुन्ना को फॉलो करते हुए जहन में रहे कि आपने सुन्ना को सिर्फ इबादात में फॉलो नहीं करना, बल्कि इबादात के साथ साथ अपने मामलात में भी फॉलो करें। आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ को स्टडी करें और उनसे पॉइंट निकालें कि कहाँ कहाँ हमने इसको फॉलो करना है, बल्कि हर जगह पे फॉलो होना है। तो आपने उनकी लाइफ के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को ढालना है। ऐसा नहीं है कि आपने रूटीन बना ली, आप सिर्फ इबादत की हद तक उसको रखें। इबादत भी ज़रूरी है, साथ साथ मामलात में भी उसको लेके आएँ। The author blames Sufism as it neutralized the active vigor and utility of Sunnah। यहाँ पे एक बहुत ही ऐसा पॉइंट आथर ने दिया है जो कि बहुत सारे मेरे सुनने वाले शायद इसके साथ अग्री ना करें, लेकिन आथर का ये जो पॉइंट है ना ये इसी तरफ इशारा है कि आथर ने यहाँ पे सूफीज़म को किसी हद तक ब्लेम किया है कि इसने सूफीज़म ने क्या किया, सुन्ना की एक्टिव विगर और यूटिलिटी को न्यूट्रलाइज किया। कैसे कि सूफीज़म ने सुन्नत के साथ मोहब्बत का तो वो कहा, मोहब्बत का भी दर्श दिया, लेकिन उसकी जो प्रैक्टिकल लाइफ में यूटिलिटी थी उसको इग्नोर कर दिया। तो ये उसको ब्लेम करता है सूफीज़म को आथर। इससे आप डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन बहरहाल ये आथर के व्यूज़ हैं और उसके लिए वो रीज़न भी देता है। वो आप किताब अगर आप इसको इस टॉपिक इस एस्पेक्ट को पढ़ना चाहें तो, बल्कि मैं अगर आप कहेंगे तो उसका वो स्क्रीनशॉट भी इसमें डाल दूंगा जो पूरा उसका कंटेक्स्ट है। The author reiterates that despite the failure of the Muslims to benefit from the teachings of the Holy Quran and their interpretation through the Sunnah, the basic spirit of these teachings has remained intact and can be put into practice once again। दूसरा जो एस्पेक्ट है सुन्नत का वो है इसकी सोशल इम्पोर्टेंस एंड यूटिलिटी। सुन्ना प्रमोट्स आइडेंटिकल हैबिट्स अमंग मेंबर्स ऑफ सोसाइटी, सिमिलर customary practices। Society is regulated by the laws of Allah Almighty interpreted through the sayings and actions of the Prophet। All questions regarding formation, conditions and organization of society are settled by the divine laws। यहाँ पे आसर ये कहता है कि सुन्नत की जो सोशल इम्पोर्टेंस है वो ये है कि जब सारे इंसान एक जैसी आदत को फॉलो करते हैं माशरे में तो उनके दरमियान इख्तिलाफात कम हो जाते हैं, उनका लाइफ स्टाइल एक जैसा हो जाता है, उनकी कस्टमरी प्रैक्टिसेस एक जैसी हो जाती हैं। फिर वो आगे ये कहता है कि सोसाइटी के बारे में जो बेसिक क्वेश्चन जो एक वेस्टर्न माइंड में आते हैं वो इस्लाम ने पहले ही दे दिए हैं। इस्लाम ने उन तमाम सवालात के जवाब आंसर किए हुए हैं जो कि एक ऐसे लॉजिकल माइंड में आएंगे जो दीन की तालीमात से आगाह नहीं है। तो ये क्वेश्चन वो हैं जो कि सोसाइटी की फॉर्मेशन, कंडीशन, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में होते हैं। ये अल्लाह ताला ने बता दिया हुआ है, तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में इंसान को अपनी एनर्जी ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उनके जवाब मौजूद हैं। नो नीड फॉर सोशल रिफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ टीचिंग्स ऑफ अलमाइटी इंटरप्रेटेड थ्रू द सुन्ना ऑफ द प्रॉफिट। आपको सोशल रिफॉर्म की ज़रूरत नहीं है। आथर ने बहुत बड़ी बात कह दी कि आप सोसाइटी को रिफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है अल्लाह ताला के कानून के होते हुए। अल्लाह ताला का कानून इटसेल्फ रिफॉर्मेटरी लॉज हैं, अल्लाह ताला की तरफ से दिए गए हैं, इन्हीं को फॉलो कर लें, आपकी सोसाइटी रिफॉर्म है। Islamic society may use its energies on real, material, spiritual and intellectual endeavors। तो आथर ये कहता है कि इस्लामी माशरे को इन बुनियादी सवालात से आगे निकल के, क्योंकि ये तो सवाल ऑलरेडी मौजूद हैं दीन के अंदर, इनके जवाबात, इनसे आगे निकल के अपनी एनर्जी जो है वो रियल, मटेरियल, स्पिरिचुअल एंड इंटेलेक्चुअल एंडीवर्स पे खर्च करनी चाहिए। तीसरा एस्पेक्ट कि सुन्ना को फॉलो करना क्यों ज़रूरी है। व्हेन वी स्टार्ट फॉलोइंग सुन्ना ऑल डिटेल्स ऑफ आवर डेली लाइफ आर बेस्ड ऑन द एग्जांपल्स सेट बाय द प्रॉफिट इन द फॉर्म ऑफ सेइंग्स एंड डूइंग्स। जब हम सुन्ना को फॉलो करते हैं तो हमारी ज़िंदगी की तमाम रूटीन, तमाम डिटेल्स वो उन एग्ज़ाम्पल पे बेस करती हैं जो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के बारे में हैं और उनकी एक्शन के बारे में हैं। वी टेक हिज लाइफ एज द गाइड टुवर्ड द परफेक्ट लाइफ, वी रिगार्ड हिम एज द सुप्रीम मैसेंजर ऑफ गॉड ऑलवेज एक्टिंग अंडर डिवाइन सुपरविजन, वे रिगार्ड हिम एज मर्सी टू दी वर्ल्ड्स। तो ये है नेसेसिटी ऑफ स्ट्रिक्टली फॉलोइंग सुन्ना। इस्लाम इज ए कंप्लीट पैकेज। अल्लाह ताला ने ये दिया निज़ाम और अल्लाह ताला ने इसलिए इस्लाम को दिया हमें कि हमारे तमाम मसलों का हल इसमें है। ये इंसान को जितने भी मसाइल हैं उसका अकलौता हल है, ये अल्टरनेटिव सोल्यूशन नहीं है। इस्लाम इज नॉट द अल्टरनेटिव सोल्यूशन, इट इज़ द ओनली सोल्यूशन ऑफ मैन्स प्रॉब्लम्स। ये हमारी डिस्क्रेशन नहीं है कि हम इस्लाम के कुछ हिस्सों को, कुछ तालीमात को ले लें, एक्सेप्ट कर लें, बाकियों को इग्नोर कर दें। ये हमारी डिस्क्रेशन नहीं, हमने लेना है तो कंप्लीट लेना है और हमें लेना ही कंप्लीट है। वी शुड एक्सेप्ट इस्लामिक टीचिंग्स, कुरान एंड सुन्ना, होली एंड कम्प्लीटली। वी रिगार्ड इस्लाम एज सुपीरियर टू ऑल अदर रिलीजियस सिस्टम्स बिकॉज इट एम्ब्रेसेस लाइफ इन इट्स टोटलिटी। इट टेक्स वर्ल्ड एंड हेयर आफ्टर, सोल एंड बॉडी, इंडिविजुअल एंड सोसाइटी इक्वली इनटू कंसिडरेशन। Islam is a complete package. It does not impose the impossible upon us, but directs us how to make the best use of our possibilities and so reach a higher plane of reality where there is no cleavage and no antagonism between idea and action. Islam individual progress के भी हक में है और promote करता है और social progress को भी encourage करता है। Conclude करते हैं इस book की summary को, इस book को। There is no benefit for the Muslim world to be under the influence of the Western civilization. Muslim world को कुछ फ़ायदा नहीं हासिल होगा अगर आप वेस्ट को कॉपी करेंगे, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। ये आथर कह रहा है जो खुद वेस्टर्न है, वेस्ट को स्टडी करके आया, वेस्ट के अंदर से है, मुसलमान हुआ, उसने ये कहा कि मुस्लिम दुनिया को वेस्ट को कॉपी करके कुछ नहीं मिलेगा। अब सवाल ये पैदा होता है, कैन वो रिस्टोर द एनर्जी एंड विगर ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड बाई फॉलोइंग द टीचिंग्स ऑफ इस्लाम? Islam is a law decreed by God Almighty to be followed by all times and everywhere. Islam is not a mere culture among many others, not a mere outcome of human thoughts and endeavors. It is for this reason that Islamic culture truly based on the teaching of Islam cannot be chained to the lapse of time and it cannot be limited to a particular area and geography. Islam जो है ये किसी खास time के लिए नहीं है और किसी खास area के लिए नहीं है। There is no sign to indicate that the mankind has outgrown Islam. It has not been able to produce, mankind has not been able to produce a better system of ethics than that expressed in Islam. Unique feature of Islam as a system, एक तो सबसे पहला feature ये है कि human brotherhood का जो idea है on practical footing, और दूसरा इस्लाम ने जो concept दिया है based on dignity of human beings, their feelings of security and happiness, ये इस्लाम की यूनिक फीचर्स हैं। एंड इस्लाम बीइंग द डिवाइन गाइडेंस इज परफेक्ट इन इटसेल्फ, नो रिफॉर्म रिक्वायर्ड इन इट। हाउएवर वी नीड टू रिफॉर्म आवर एटीट्यूड टुवर्ड्स रिलीजन, वी शुड एलिमिनेट लेजीनेस ऑफ माइंड एंड बॉडी एंड आवर ओन डिफेक्ट्स। वी शुड नॉट बी अपोलोजेटिक फॉर इस्लाम, वी शुड फॉलो सुन्ना ऑफ द होली प्रॉफिट कॉन्शियसली। सुन्ना मीन्स नो मोर एंड नो लेस दैन द टीचिंग ऑफ इस्लाम ट्रांसलेटेड इन टू प्रैक्टिस। Verily, in the apostle of God, you have the best example for everyone who looks forward towards God and the day of judgment. तो ये था हमारा आज का इस किताब का समरी। होपफुली ये आपको पसंद आएगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।